गरीब का जन्मदिन। ये कहानी है मानव नाम के लड़के की। मानव अपने माता पिता की इकलौती औलाद था। मानव अपने माता पिता की शादी के 10 साल बाद पैदा हुआ था, इसलिए मानव अपने माता पिता के साथ साथ अपने दादा दादी का भी लाडला था। मानव इकलौता बच्चा था अपने परिवार में, इसलिए मानव की हर जिद भी पूरी हो जाती थी। मानव जो भी कुछ मांगता वो उसके सामने हाजिर हो जाता। इसी वजह से मानव दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था। मानव के घर की कॉलोनी में शांति नाम की एक धोबन कपड़े प्रेस करने का काम करती थी। वो कॉलोनी के घरों के कपड़े प्रेस करती थी। उसका बेटा बिट्टू भी साथ में आ जाता था। बिट्टू जब 2 साल का था उसका एक पैर खराब हो गया था, जिसकी वजह से बिट्टू बैसाखी के सहारे चलता था। बिट्टू ने अपना अपाहिज होना कभी भी अपनी कमजोरी नहीं समझा, वो बहुत साहसी था। बिट्टू के पिता सड़कों पर छोटा मोटा सामान बेचकर थोड़े बहुत पैसे ही कमा पाते थे। बिट्टू को गली मोहल्ले के अमीर बच्चे लंगड़ा लंगड़ा कहकर चिढ़ाते थे। बिट्टू इस बात से बहुत दुखी होता था। वो गरीब था तो अमीर घर के बच्चों को कुछ नहीं बोल पाता था। एक दिन कॉलोनी के बच्चों के साथ मानव खेल रहा होता है। बिट्टू भी वहीं बैठा होता है। उसकी माँ कपड़े देने किसी के घर में गई होती है। अरे बॉल कहाँ फेंक रहा है, इधर फेंक। ओए मानव, बॉल तो उस लंगड़े के पास चली गई। भाई तू जा, मैं नहीं लेने जाऊंगा उस लंगड़े के पास, उससे बहुत बदबू आती है। राज बिट्टू के पास से बॉल लेने चला जाता है। राज बिट्टू को छेड़ने लगता है। ऐ लंगड़े, खड़ा हुआ और बॉल फेंक, तेरे नजदीक आऊंगा तो मुझे भी बदबू आएगी। बेचारा बिट्टू उठकर बॉल फेंकने की कोशिश करता है तो वो जोर से गिर जाता है। उसकी बैसाखी भी बराबर में गिर जाती है। मानव और राजू के साथ सभी बच्चे जोर से हंसने लगते हैं और बिट्टू को लंगड़ा लंगड़ा कहकर चिढ़ाते हैं। वो कुछ नहीं बोलता। सब बच्चे अपने घर चले जाते हैं। मानव भी अपने घर आ जाता है। कुछ दिनों बाद मानव का जन्मदिन आने वाला होता है। मानव अपने जन्मदिन को लेकर बहुत ही उत्साहित था। आखिर उसे अपने मम्मी पापा और दादा दादी से बढ़िया बढ़िया गिफ्ट जो मिलने वाले होते हैं। मानव अपने सभी दोस्तों को जन्मदिन पर बुलाता है। मानव के मम्मी पापा मानव का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। मानव अपने दादा दादी से मोबाइल फोन लेने की जिद करता है, इसलिए जन्मदिन पर वो उसे मोबाइल फोन गिफ्ट में देते हैं। अगले दिन वो अपने सभी दोस्तों के साथ मोबाइल फोन लेकर घर से बिना बताए निकल जाता है। जब वो घर के पास बने एक पुराने खंडहर के पास रुकते हैं, मानव अपने दोस्तों के साथ मोबाइल फोन से फोटो खींचने लगता है। फोटो खींचते हुए मानव अपने दोस्तों के साथ खंडहर के अंदर चला जाता है। फोटो खींचते हुए मानव का ध्यान हट जाता है और वो खंडहर में बने एक पुराने सूखे कुएं में गिर जाता है। मानव को कुएं में गिरा देख उसके दोस्त घबरा जाते हैं और मानव को अकेला छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। मानव जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मम्मी पापा, दादाजी दादाजी, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बिट्टू की माँ बीमार होती है। वो अपने पिता को बुलाने जा रहा होता है, तभी वहां से गुजरते हुए वो मानव के चिल्लाने की आवाज सुन लेता है। वो खंडहर के अंदर जाता है। कुएं में मानव को गिरा देख बिट्टू हैरान हो जाता है। मानव, तुम इस कुएं में कैसे गिर गए? रुको, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ, घबराओ नहीं, रुको मैं कुछ करता हूँ। बिट्टू एक अपाहिज लड़का था, फिर भी उसमें बहुत हिम्मत थी। वो मानव को कुएं से बाहर निकालने की तरकीब सोचने लगता है। वो खंडहर में इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है, तभी उसकी नजर वहां पर पड़ी एक रस्सी पर जाती है। वो उस रस्सी को उठा लेता है। वो रस्सी का एक सिरा अपनी कमर पर बांध लेता है और दूसरा सिरा कुएं में फेंक देता है। वो मानव को कहता है, मानव रस्सी के सिरे को पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा, तो तुम भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करना, ठीक है? मानव बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश करता है। बिट्टू रस्सी को लगातार ऊपर खींच रहा होता है। रस्सी बिट्टू की कमर से बंधी हुई थी। वो हाथों की सहायता से रस्सी को ऊपर खींच रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने मानव को कुएं से बाहर निकाला। बिट्टू के हाथ रस्सी को खींचने की वजह से छिल गए थे और उनमें से खून आ रहा था।
मानव कुएं से बाहर आते ही बिट्टू से लिपट गया और रोने लगा। मानव जो कभी बिट्टू के पास जाने से भी कतराता था, जो कहता था कि बिट्टू के पास से बदबू आती है, आज वो बिट्टू के साथ लिपट लिपट कर रो रहा था। बिट्टू ने भी मानव को गले से लगा लिया। बिट्टू ने मानव को बताया कि उसकी माँ बीमार है, वो अपने पिता को बुलाने के लिए जा रहा था। तभी उसने मानव की आवाज सुनी और खंडहर में आया। मानव बोला, बिट्टू मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, तुम्हारा मजाक उड़ाया, मैंने तुम्हें लंगड़ा कहकर बुलाया, अपने दोस्तों के साथ मैंने तुम्हारी हमेशा खिल्ली उड़ाई, पर फिर भी आज तुमने मेरी जान बचाई, मुझे इस कुएं से बाहर निकाला, मेरे सभी दोस्तों मुझे मुसीबत में देखकर भाग गए थे, पर तुमने आज मेरा साथ दिया, मेरी सहायता की। इतनी देर में मानव के मम्मी पापा और दादा दादी भी मानव को ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। वो मानव की हालत देखकर हैरान हो जाते हैं। मानव के कपड़े और चेहरा मिट्टी से लदा था। मानव ने अपने साथ घटी सारी घटना अपने मम्मी पापा और दादा दादी को बताई और ये भी बताया कि जब उसके दोस्त उसे छोड़कर भाग गए थे, तब बिट्टू ने उसकी जान बचाई और उसे कुएं से बाहर निकाला। उसने अपने मम्मी पापा और दादा दादी से भी क्षमा मांगी और कहा कि वो आज के बाद कभी कोई ऐसा गलत काम नहीं करेगा और ना ही अपने घर पर बिना बताए कहीं जाएगा। मानव के मम्मी पापा और दादा दादी ने भी बिट्टू को प्यार किया और एक अच्छे डॉक्टर से बिट्टू की माँ का इलाज भी करवाया। बिट्टू की माँ ठीक हो चुकी थी। मानव और बिट्टू अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन मानव ने बिट्टू से पूछा, बिट्टू तुम्हारा जन्मदिन कब आता है? मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तोहफा दूंगा। मानव मुझे पता नहीं मेरा जन्मदिन कब होता है, माँ को शायद पता हो। आंटी बिट्टू का जन्मदिन कब आता है? बेटा हम गरीबों का क्या जन्मदिन, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ बेटा, हमने कभी बिट्टू का जन्मदिन मनाया ही नहीं, मुझे तो अच्छे से याद भी नहीं बेटा इसके जन्म की तारीख। हाँ इतना पता है कि दिवाली के आसपास ये पैदा हुआ था। मानव घर जाकर सारी बात घर वालों को बताता है। मानव की मम्मी मानव को कहती हैं, मानव तो क्या हुआ, अगर बिट्टू ने आज तक अपना जन्मदिन नहीं मनाया तो हम मनाएंगे उसका जन्मदिन, वो बेचारा गरीब परिवार का है तो उसमें उसकी क्या गलती है, पर उसने तुम्हारी जान बचाकर हम सब पर बहुत उपकार किया है, हम सब मिलकर उसका जन्मदिन मनाएंगे। तुम बिट्टू को और उसके मम्मी पापा को बोल दो कि कल हम उसका जन्मदिन मनाएंगे। अगले दिन सब मिलकर धूमधाम से बिट्टू का जन्मदिन मनाते हैं। सारी तैयारी देखकर बिट्टू हैरान रह जाता है, वो बहुत खुश होता है। पार्टी में मानव के मम्मी पापा बिट्टू के माता पिता को अपने डॉक्टर से भी मिलवाते हैं, जो बिट्टू के पैरों का ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिट्टू का ऑपरेशन कामयाब होता है, बिट्टू अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। ये देखकर बिट्टू के मम्मी पापा मानव के मम्मी पापा को धन्यवाद करते हैं। मानव के पापा कहते हैं, बिट्टू ने मानव की जान बचाई थी, उसने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, आज बिट्टू अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है, ये देखकर आज मानव भी बहुत खुश है, इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, सब भगवान के आशीर्वाद से हुआ है। आप दोनों भी अब चिंता मत करो, बिट्टू की पढ़ाई लिखाई सब खर्चा हम देंगे, ये भी मानव के साथ स्कूल जाएगा। बिट्टू और मानव एक साथ स्कूल जाने लगते हैं। एक गरीब के जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा उसे मिल जाता है।